हेलो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सी आर सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू ओ इस बिद ए जी एन ओ थ्री टू मोल्स ऑफ ए जी सी एल आर प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मुला ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड आई यू पी एस सी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स देखो बेटा जी यहाँ पर सी आर सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू ओ है इसको थ्री के साथ रिएक्ट कराने पर हमें एक प्रोडक्ट मिलता है प्लस टू मोल्स ए जी सी एल के मिलते हैं हमें टू मोल्स ए जी सी एल के कब प्रेसिपिटेट होकर मिलते हैं देखो हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर वाला पार्ट आयनाइजेशन स्पेयर है इस स्पेयर में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो अगर मेरे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुआ है प्रोडक्ट साइड मुझे कितने मोल्स मिले हैं जी सेल के दो मोल्स मिले हैं कितने सीएल आए हैं दो इसका मतलब क्या हुआ ये आयनाइजेशन स्पेयर में दो सीएल हमारे पास होंगे तो मैंने इतना तो प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर हमारे क्या होंगे दो सीएल होंगे अब हमारा कंपाउंड क्या था सीआरसीएल3.6एच2ओ अगर दो सीएल हमारे बाहर है इसका मतलब एक सीएल कहा होगा अंदर रहा होगा मेटल अंदर रहा होगा अब देखो एक तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रखना है एक तो मैं ला चुकी हूँ अब फाइव और बच गए तो फाइव में क्या ले लेती हूँ वाटर मोलिक्यूल्स ले लेती ले हूँ तो एक वाटर मॉलिक्यूल कहा रहा होगा बाहर रहा होगा आयनाइजेशन स्पेयर में तो ये हमारा क्या हुआ कॉम्प्लेक्स हुआ सीआर सी एल एच टू के फाइव मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है दो Cl बाहर है आइनाइजेशन स्पेयर में और एक वाटर बाहर है तो ये हमारा क्या है गिवन कॉम्प्लेक्स हुआ अब हमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया क्या आया सी आर सी एल एच टू के फाइव मोलिक्यूल कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट क्लोज दो सी एल टू और एक वाटर मोलिक्यूल अब हमें इसका क्या बताना है आई यू पी एस सी नेम बताना है सबसे पहले मैं क्या करूंगी लीगेंड्स का नाम लिखूंगी अब लीगेंट हमारे यहाँ पास सी एल बी है और एच टू ओ है तो ये अल्फाबेटिकली लिखना है एच टू ओ का नेम क्या होता है एक्वा और सी एल इसको बोलते क्लोराइडो तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा ए आएगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी एक्वा अब हमारे पास एक्वा कितने हैं? फाइव तो फाइव के लिए क्या लिखूंगी पेंटा पेंटा एक्वा उसके बाद कौन सा लिगेंड है क्लोराइडो के बाद क्या लिखूंगी सेंट्रल मेटल लिखूंगी सेंट्रल मेटल कौन है क्रोमियम उसके बाद क्या लिखूंगी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगी देखो Cr की हमें निकालनी है तो Cr के निकालने के लिए हम क्या पुट कर देंगे X प्लस Cl के ऊपर कितना होता है माइनस वन वोटर न्यूट्रल होता है तो इसको तो हमें कंसिडर करना नहीं है प्लस दो सीएल गिवन है जीरोस तो थ्री इज इक्वल टू जीरोक्वल टू थ्री तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई क्रोमियम की थर्ड इसको किस में लिखना है रोमन में उसके बाद हमारे पास है और एच टू ओ है तो है हमें ये जो टू मेंशन है इसको नहीं लिखना होता जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन के अंदर लिखना लिखा हुआ होता है उसी को हमें टू थ्री उसमें लिखना होता है बाहर वाले को नहीं लिखना सीएल इसका नाम क्या होगा क्लोराइड उसके बाद वोटर वोटर को हम क्या लिखेंगे एक है तो मोनो हाइड्रेट तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हुआ पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर थैंक यू